Welcome to Computer and General Studies by Engineer Sonia. Today our topic of discussion is array deletion operation. आज हम पढ़ेंगे कि array में deletion operation कैसे perform करते हैं, कि array है हमारे पास already, उसमें elements हैं और हमें किसी element को delete करना है, तो वो कैसे करते हैं. तो चलिए start करते हैं. Array deletion operation, array में basically deletion operation भी तीन तरीके से होता है. First is deletion from the beginning of an array, कि array की जो lower bound है, starting index है 0, starting से element को delete करना है. Second operation है deletion from a required position in an array, और array में किसी भी particular position से element को delete करना है. और third है deletion from end of an array, या हमें array के last से element delete करना है. ठीक है, तो तीन तरीके से हम deletion कर सकते हैं. तो array deletion operation at a required position, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि array में जो particular position से अगर हमें element को delete करना है तो वो कैसे करते हैं. क्योंकि friends, जो addition आपका beginning से करना है या end से करना है वो very easy concept है. थोड़ा सा अगर समझने वाली चीज़ है तो सिर्फ इसमें, अगर required position से मुझे element को delete करना है तो उसमें logic लगाना है कि वो कैसे करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे. For deleting an element at a required position from an array is, क्या logic लगाएंगे हम delete करने के लिए. Deletion of an element from a particular position requires to shift all the elements to fill the space emptied by the deleted elements. क्या concept है, array है हमारे पास, suppose करो 10 elements का array है. अगर मुझे 5th position से कोई element को delete करना है तो 5वीं position पर जो value रखी है friends उसको हम हटा लेंगे या अपने किसी other variable में डाल लेंगे, और फिर 5 से 10 तक जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को एक एक से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट कि ऑर्डर एरे का बना रहे और वो जो लोकेशन अभी एम्प्टी की है इस डाटा वैल्यू ने, ये फिल हो जाए. ठीक है, इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एलिमेंट्स ले लेंगे हम, ठीक है, शिफ्ट करना है, और प्लस दूसरा काम क्या करना है, हमारे एरे की लेंथ भी तो कम हो जाएगी ना, और एरे की लेंथ को रिड्यूस करना है. ठीक है, तो सिंपल क्या है, डिलीशन एट ए रिक्वायर्ड पोजीशन, एरे एलिमेंट को डिलीट करो और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो अपर बाउंड तक एलिमेंट्स उनको शिफ्ट कर दो एक एक पोजिशन से ऊपर की तरफ और लेंथ को एक से कम कर दो. ठीक है, तो लेट्स सी, डिलीशन एट ए रिक्वायर्ड पोजिशन. Elements to be moved upward to fill locations emptied by the deleted elements and keep the order of elements. Shift करेंगे upwards. Example, ये कोई array है हमारे पास. ठीक है, इसमें array है 5 elements का और 5 elements इसमें डले हुए हैं. ठीक है, next say element 80 to be deleted at position 4, that is array 3 of 80. अब suppose हमें इस 80 को डिलीट करना है यहाँ से. ठीक है, तो ये किस पोजीशन पर है, यूज़र के लिए तो ये 4 पोजीशन पर ही है ना, आपको मैंने बताया था. लेकिन हमारे एरे में जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स क्या होता है, 0 से n माइनस 1 तक चलता है. तो हमें एरे ऑफ 3 से 80 को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे. तो ये है फ्रेंड्स हमारा एरे बिफोर डिलीशन. ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो रखी है, ऐसे ऑर्गेनाइज हमने किया हुआ है. हमने यहाँ से क्या करना है, इस 80 को डिलीट करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिलीट एलिमेंट 20 एट एज, एरे 3 से इसको करेंगे डिलीट. तो क्या आ जाएगा, देखो फ्रेंड्स आफ्टर डिलीशन क्या हो गया, 50 60 70 90 80 डिलीट हो गया है, नंबर वन थिंग. और सेकंड थिंग क्या हुई है कि ये जो 90 है इसको हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है. और शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, एरे का जो साइज़ है, ठीक है, वो एक से रिड्यूस हो गया. यहाँ पर एरे का साइज़ जो है हमारे पास 5 था इस वाली लोकेशन में. ठीक है, और यहाँ पर एरे का कितना साइज़ हो गया है, ये 4 हो गया है एरे का साइज़. ठीक है, तो ये है हमारा डिलीशन एट अ रिक्वायर्ड पोजिशन. चलिए एल्गोरिदम देखते हैं, क्या कहता है इसका एल्गोरिदम. डिलीट पोजीशन नाम का एक हमने फंक्शन बनाना है, 3 पैरामीटर्स जाएंगे, एरे लेंथ जाएगी और पोजीशन जाएगी. ठीक है, ये जो लेंथ है ये है अपर बाउंड आपके एरे की. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेट टेम्प इक्वल टू एरे पोजीशन, एक टेम्परेरी वेरिएबल है टेम्प नाम का, उसमें हम जिस पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है उसको इसमें डाल लेंगे. ठीक है, इस एलिमेंट को हम टेम्परेरी वेरिएबल में डाल लेंगे.
टेक वैल्यू इन टेम्प्रेरी वेरिएबल टेम्प में, और उसके बाद वैल्यू हटा ली वहाँ से। अब रिपीट फॉर आई इक्वल टू पोजिशन टू लेंथ माइनस वन, क्या करेंगे उस पोजिशन से लेकर एरे की अपर बाउंड तक जाएंगे, ठीक है। और हर एक आइट्रेशन में क्या काम करेंगे, शिफ्ट द एलिमेंट्स अपवर्ड बाय वन पोजिशन, एक एक एलिमेंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे एरे आई प्लस वन, सपोज करो ये कोई लोकेशन पोजिशन फिफ्थ से हमने करना था, तो सिक्स पे जो वैल्यू है, सिक्स पे पोजिशन पे जो वैल्यू है उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ उसको हम फिफ्थ पे शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही सेवन्थ वाले को सिक्स्थ पर, एट्थ वाले को सेवन्थ पर, ठीक है, नाइन्थ को एट पर, ठीक है। तो हमारे टोटल और टेंथ पे जो थी वो नाइन पर, एरे का साइज भी एक से रिड्यूस हो गया, अब नाइन हो जाएगा, ठीक है। ये एंड ऑफ लूप आ गया। फिर रीसेट द लेंथ, लेंथ को रीसेट करेंगे, एक से कम हो जाएगी लेंथ, और डिस्प्ले द न्यू एरे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका एल्गोरिदम है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती या एल्गोरिदम का कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कोडिंग में कैसे करते हैं इसे। ये हमने एरे डिक्लेयर किया है 10 वेरिएबल्स का, ये फंक्शन बुलाया है हमने, ठीक है। इसमें तीन वेरिएबल जा रहे हैं, ठीक है, एरे है और दो इंटीजर वैल्यूज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, यूजर को बोलेंगे कि कितने एलिमेंट्स का एरे है, डालो एलिमेंट्स, डलवाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो लेंथ से हमें क्या मिल जाएगी, अपर बाउंड मिल जाएगी, जिसको हमने लेंथ में स्टोर कर लिया है। फिर ये एंटर वैल्यूज, यूजर सारे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज डालेगा, इनिशियलाइज करेंगे एरे को, और ये लूप चलेगा आपका वैल्यूज एंटर करवाने के लिए। फिर उसके बाद एंटर द पोजिशन इन द एरे फॉर डिलीशन, अब किस पोजिशन से एलिमेंट को डिलीट करवाना है वो पोजिशन एंटर करेंगे, पोजिशन वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वैल्यू को। एक से क्यों रिड्यूस कर रहे हैं फ्रेंड हम, क्योंकि हमारा एरे की जो इंडेक्स से हम करते हैं एक्सेस, और इंडेक्स चलता है 0 to n-1, तो यूज़र ने जो पोजिशन डाली है हमारे इंडेक्स में वो पोजिशन एक से कम हो जाती है। तो डिलीट ऑपरेशन यहाँ पर हमने कॉल करवाया, क्या काम करेगा डिलीट ऑपरेशन, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया जैसे अभी एल्गोरिदम में बताया था, उसमें हमने एरे ऑफ पोजीशंस पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पर स्टोर कर ली है, ठीक है। फिर लूप चलाएंगे, किस लिए ये लूप चलेगा, ये चलेगा शिफ्ट करने के लिए, पोजीशन से स्टार्ट करके ये लेंथ तक। यहाँ जो लेंथ माइनस वन है वो अपर बाउंड देगा हमें हमारे एरे की, ठीक है। और एरे में हमने एक एक से पोजीशन अपवर्ड शिफ्ट करा लिया, और लास्ट में बोलेंगे कि टेम्प से जो वेरिएबल डिलीट हो गया, ठीक है। चलिए इसे कॉल कराने के बाद ये लेंथ को एक से रिड्यूस किया हमने, और फिर न्यू जो एरे है ये फॉर लूप क्या करता है, एरे को डिस्प्ले करवाता है जो हमारा न्यू वाला एरे है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लेट्स सी रन। सपोज हमने एरे में 5 एलिमेंट्स डलवाए, उनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं, सपोज 70, 90, 80, 50 and 40, ठीक है। अब एंटर द पोजीशन इन द एरे फॉर डिलीशन, अब यहाँ से कौन सा एलिमेंट डिलीट करवाना चाहते हैं, सपोज हमने डिलीट करवाना है 90, हम चाहते हैं कि 90 डिलीट हो जाए, वो कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड पर, सेकेंड पोजीशन से एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो आपको वो दिखाई दे रहा है, देखो एलिमेंट 90 इज़ डिलीटेड, सेकेंड पोजीशन पे क्या था, 90 था, 90 को डिलीट कर दिया, और क्या है न्यू एरे, 70, 80, 50 and 40। सी फ्रेंड्स, एरे का साइज भी एक से रिड्यूस हो गया, ठीक है। अगर आपको कोडिंग में कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है या कोई भी स्टेप आपको समझना है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अपना कोई भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिए। तो ये था डिलीशन फ्रॉम अ रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे डिलीट करते हैं और एंड से, एरे के एंड से कैसे एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं।